नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी आज आपण येत आठवीची हिंदीचा पेपर बघतोय प्रथम घटक कसोटी तर हा पेपर सोडवण्यापूर्वी जर तुम्ही नवीन असाल तर लगेच हा चॅनल सबस्क्राईब करा बेलायकन दाबा म्हणजे तुमचे इयत्तेचे व्हिडिओ तुमच्या मोबाईलवर सर्वात प्रथम येतील मी सपना टीचर मी पुणे जिल्ह्यातनं आहे तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते तर सुरू करूयात आपला पेपर सोडवायला बघूयात आपल्याला हे पे प्रश्न सराव म्हणून आहेत आणि कितपत आहेत ते प्रश्न पहिला निम्नलिखित परीक्षेत पडकारसून सूचनाओं के अनुसार कृत्या कीजिए बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं अल्पत ने पिता बड़ा दयनीय जीव होता है मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के, के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्लज अपराधी की भांति छूट कर ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं आखिर ये इतने बेह क्यों है कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था वन मानू जैसा उसे नाखून की जरूरत थी उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे असल में वही उसके अस्त्र थे दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लेने लगा उसने हड्डियों का भी हथियार बनाए मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा उसने धातु के हथियार बनाए इतिहास आगे बढ़ा कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूं कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून काटने पर डांटता है बढ़ते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता ये उसकी भयंकर वृत्ति के जीवंत प्रतीक है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं चाहती अभी यहाँ पर देखिए उत्तर लिखिए मनुष्य को नाखून की जरूरत तब थी तो उसके हमें जवाब लिखने हैं जंगली मनुष्य के दो हथियार कौन कौन से हथियार है जंगली मनुष्य के परिच्छेद में उल्लेखित दो वस्तुएं जिनसे जिनसे मानव हथियार बनाता था परिच्छेद में उल्लिखित दो वस्तुएं जिनसे मानव हथियार बनाता था कौन कौन से वस्तुएं है वो हथियार बनाने के लिए सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए हर डैश डैश दिन नाखून बढ़ जाते हैं आखिर नाखून इतने डैश डैश क्यों है यहाँ पे विकल्प लिखे हैं इनसे चुनना है हमें निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए वर्ष जरूरी निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए प्रतीक अस्त्र निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए अर्थ सुख पद्यांश पढ़कर कृतिया पूर्ण कीजिए माई माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर कर्ता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊ सेवा तेरी माता में भेदभाव तुझकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनु सुनाऊ तेरे ही काम आओ तेरा ही मंत्र गाओ मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ कृति पूर्ण कीजिए कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है तो हमें ये यहाँ पे लिखना है जवाब कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए सेवा में तेरी डैश डैश बलिदान में जाओ यहाँ ऊपर जो कविता लिखी है उनमें से हमें ये पंक्तियाँ पूर्ण करनी है एक शब्द में उत्तर लिखिए मातृभूमि के चरण धोने वाला प्रतिदिन सुनने सुनाने का योग्य नाम निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए माता देह निम्नलिखित शब्दों में प्रत्येक नए शब्द बनाइए बलिदान पुण्य तीन निम्नलिखित पढ़कर सूचना के अनुसार कृतिया करो सुबह का समय था मैं डॉक्टर राज कुमार वर्मा की जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चल रहा था क्योंकि दस बजे उनसे मिलने का समय तय था वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों संगठियों एवं सम्मेलनों में देखा था परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था कैसे होगी डॉक्टर साहब कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का आदि इन तमाम उठते और पेटते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बचाई नौकर निकला और पूछ बैठा क्या आप अनुराग जी है मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं इतने में डॉक्टर साहब आ गए अनुराग जी कैसे आना हुआ आते ही उन्होंने पूछा ये होगा हमारा परिचय आकृति पूर्ण कीजिए लेखक ने डॉक्टर राजकुमार रामकुमार को यहाँ देखा था तो कहाँ देखा था हमें यहाँ पे लिखना है जवाब उत्तर लिखिए लेखक के दिमाग में उठने वाले विचार डॉक्टर राम कुमार वर्मा यहाँ रहते थे मुहावरों का अर्थ बताओ सत्ते में आना तो यहाँ पे हमारा जो पेपर है वो खत्म हुआ है तो मैं आशा करती हूँ कि आप प्रैक्टिस करोगे जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपको पेपर के लिए तो चलो हाँ अभी यहाँ पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में